इंस्टाग्राम के चमकते सितारे भाई फेक नहीं करता भाई, मैं एक्टर कोई नहीं, आर्टिस्टों को पैसा दिखाता है और आइडियाज ले लेता है। आज से मैं मिस्टर दीपक को अपना गुरु मानता हूँ। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके? मेरे बहुत ही अच्छे हैं। एंड आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ। बेसिकली यार क्या हुआ था ना कि इंस्टाग्राम पे व्यूज आने बंद हो गए थे, यूट्यूब पे व्यूज आने बंद हो गए, तो एकदम मोराल जो था ना डाउन हो गया था। ठीक है, मेरे पास दो तीन ब्लॉग बने हुए रखे थे बट डालने का मन ही नहीं कर रहा था, एकदम लो एनर्जी हो गया था। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम थोड़ा सा गर्म हुआ, थोड़े से व्यूज वगैरह आए तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि नहीं नहीं भाई, टाइम खराब जाता है सबका, लेकिन अच्छा भी आ जाता है। तो भाई अच्छा टाइम वापस आ गया है। ठीक है, एंड आई एम हैप्पी कि अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। बहुत भाई अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, क्यों शुरू किया था उसको ख़त्म नहीं करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको करना है, चाहे कुछ हो ना हो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करना है कि यार छोड़ा नहीं। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी पहले तो कि जो भी लोग रेगुलरली देखते थे, मुझे बहुत मैसेजेस भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, और ये मैं टिपिकल इन्फ्लुएंसर वाली हरकत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली आ रहे थे मुझे, तो जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे उन सबको सॉरी। ठीक है, और जो लोग मुझे कहते थे बंद कर दो बंद कर दो, ये सब बंद कर दे, तेरे बस की बात नहीं है, तुम सबकी माँ की। ठीक है, तो भाई आज का ब्लॉग, आज से मैंने सोचा डेली ब्लॉग डालूंगा, कुछ भी डालूंगा, अंड भंड संड जो आएगा वो डालूंगा। ठीक है, मेरे को परवाह ही नहीं है, मेरे को टेंशन ही नहीं है कि भाई क्या डालूं, सोचूं बैठ के, कुछ भी डालूंगा जो मेरी जिंदगी में चल रहा है। ठीक है, तो आजकल मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है कि मैंने और पूरा अपने नया ऑफिस लिया है जहाँ पे हम लोग अपना अलग से थोड़ा काम कर रहे हैं। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं मतलब कुछ कुछ बातें जो फैल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमें कुछ और थोड़ा सा काम करना था, चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, इस वजह से वहाँ से हम लाइक अलग नहीं हुए। अभी भी मैं उनके साथ ही हूँ, अगली स्क्रिप्ट भी जो है हजरे के साथ ही लिख रहे हैं हम, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम अपना थोड़ा सा हमने अपना काम चालू किया, तो उसके प्रति हमें थोड़ा सा अलग ध्यान देना, तो इस वजह से हम लोग छुपे। तो मैं फटाफट तुम्हें दिखाता हूँ हमारा ऑफिस टूर, लेट्स गो। तो जी ये रूम है, ये तो खाली पड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अंदर चल के यहाँ पे कुछ सोफे सूफे पड़े हुए हैं, ये जिम विम का सामान पड़ा है। ये आदमी है जिसकी वजह से मैंने व्लॉग बनाना छोड़ा था, ये मेरा धंधा खा गया था। आज मैं फुल मोटिवेटेड हो गया हूँ फिर से दोस्तों। ये किचन है जी, मुझे मोटिवेट किया गया है दोस्तों, इसने मुझे मोटिवेट किया। ये किचन है और ये प्रेस है और यहाँ पे चल रही है अगली वीडियो की एडिटिंग। एक हफ्ते में एडिटिंग खत्म हो जाना चाहिए भाई, एक हफ्ता है तुम्हारे पास, वरना उसके बाद सीधा कोड़े पड़ते हैं, अपने कोड़े वो भी गरम तेल में छन के। ये भाई है एडिटिंग रूम, ये एक बेडरूम, यहाँ पे मैं और पूरा एक दूसरे की बॉय। उसके बाद ये है दूसरा, यहाँ पे अंजर पंजर लोग जो आते हैं वो बैठ जाते हैं, पीछे ऐसी एरिया है, एक वॉशरूम ये है, दूसरा वॉशरूम उधर है, तीसरा वॉशरूम इधर है, ये है मेन गेट। बहुत महंगा शेफ रख रखा है दोस्तों हमने, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिला। ये क्या कर रहा है, खाना तो आ गया तेरा, घी में चावल, घी। अरे तेरी आयशावाल, क्या छुपा रहे हो मशाल? अमेरिकन टोबैको है, मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ। हाँ जी, फ्रॉम अमेरिका, ये हमारे शूट के लिए। तो ये सब तू क्यों अपने फेफड़े जला रहा है ये सब करके? इससे एक्चुअली कैंसर दूर होता है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें कैंसर है तो चला जा भोसड़ी के, दूर होता है, लिखा हुआ है भाई। अच्छा, तो मतलब हमें गगन को इस घर से भगाने के लिए अमेरिकन टोबैको पीना पड़ेगा, कैंसर दूर होता है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, इनसे मिलवाना चाहता हूँ मैं, इंस्टाग्राम के चमकते सितारे। दीपक भाई, हम कितनी बार मिल रहे हैं, कितनी बार मिल रहे हैं ये तो बता, कौन सी बार ये? तीसरी चौथी बार है ना, पांचवी बार है ना, तो तुझे पता नहीं बार बार एक जगह जाने से इज्जत कम होती है। अभी देर से ज्यादा जा रही है रीच, देख ले रीच भी जा रही है और फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं भाई, इधर शेयर कर देता है। ये चीज मैं बोलता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करता है, कहता नहीं नहीं मेरे खुद की मेहनत है।
जब हमारे शूट पे खाना वाना मिलता है ना, आज तो शूट है नहीं, तो वही मैं पूछा था आज कैसे आ गया बता दे दीपक। पीछे ऑडियंस हंस रही, हाँ हाँ हाँ, ये थगेश का शो चल रहा है क्या? क्या थगेश का शो चल रहा है? अबे इधर से थोड़ी है, लो अपने घर का ही बोल रहे हैं। अबे सात नंबर गेट से ले लेता ना। इंट्रोडक्शन देते हो ना? ओए इंट्रो चल, तू छोड़, तू बड़ा आदमी नहीं है, आओ यार बड़े आदमी हो, बड़े आदमी। मिस्टर ऋषभ शुक्ला, मिस्टर छोटी चुत्तड़, क्या नाम है आपका? क्या बोला तूने? चौड़ी चुत्तड़। ये कौन है? मंग आज आओ आज तुम दोनों चाय वाय लेके आओ, चाय बनाओ चाय। आर्टिस्टों को पैसा दिखाता है और आइडियाज ले लेता है। कह रहा है आर्टिस्टों को पैसा दिखाता है और उनके आइडियाज ले लेता है। एक काम चल रहा है वहां पर, एक दूसरा निकलवा रहा है। आते ही सीधा खाने की बातें, पीने की भी तो है, पीने की भी इसलिए आते हैं ना तुम इधर। स्टेशन से भी खाते हुए आ रहे हैं। कहाँ जा रहा है इतना खाने? भाई लग तो नहीं रहा, बॉडी में कहीं लग रहा है, कहाँ जा रहा है? ये क्या था मछली? अब तो कर ले, मैं शो में दूसरे तो नीचे करेंगे रोड पे। हाँ कर, उसके बाद पांच कपड़े और हैं जल्दी। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? जल्दी तू क्या बैठा हुआ है? तेरे को चाय बनाने बोली थी ना। ओए चाय किधर है? दोस्तों आज से मैं मिस्टर दीपक को अपना गुरु मानता हूँ। मैं इनकी फोटो अपने मंदिर में लगाऊंगा और चार टाइम पूजा करूंगा। इन्होंने जो आज किया है उसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को मौत के मुंह से खींच के लेके आए हैं ये। तो भाई मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो बेसिकली ना हम लोग निकले थे और लाइक पन्नी में उठा रखी थी कुछ सामान, उठा मतलब बियर उठा रखी थी। तो बियर फट के नीचे गिरी और वो खुल गई, ठीक है, पन्नी फट के नीचे गिरी। तो एकदम से पुलिस वाले आ गए, उनको लगा कि हमने पी रखी बिकॉज वो बियर खुल गई थी, तो मुझे पकड़ के ले गए। अब मैं अंदर बैठा हुआ, वो मेरे से पूछताछ कर रहे हैं। एकदम से ये लौंडा आता है दीपक रोते हुए, ठीक है, कहते यार मम्मी की तबीयत खराब है, तू यहाँ दारू पी रहा, फरीदाबाद पहुँचना है यार, चल यार। और रो रहा पिलक पिलक के, और मेरी हंसी भाई, मैं अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठा हूँ कि ये क्या कर रहा है आदमी। और पुलिस वाले इमोशनल, कह रहे देखो देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे कर रहा है और तुम यहाँ पे ये बियर पी रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा सॉरी सर सॉरी। वो मुझे चाटे चू वो मतलब उठाया उसने गुद्दी से पकड़ के और ले गया। ओ भाई एक पैसा नहीं देना पड़ा, पुलिस वाले और इमोशनल हो गए और मैं पागल। मैं कहा ये हुआ क्या अभी? भगवान है वो आदमी, भगवान उसको जाओ फॉलो कर लो। गाइज मेरे कमबैक की खुशी में हम डेट पे जा रहे हैं विद माय हबी। अच्छा व्लॉग में कमबैक, गड़े मुर्दे उग चुके हैं, खड़े हो चुके हैं वो। आज हम सैटरडे नाइट बनाएंगे गाइस, सैटरडे नाइट। दोस्तों मेरी डेट खत्म हो गई है और मैं आपको बता चाहूंगा कि यहाँ पे नॉस्टैल्जिया हिट कर गया दोस्तों में। दोस्तों हम ने देखा कि जब इसके 5 लाख फॉलोअर थे, हम एक स्टोर पे आए थे और उसका नाम था स्टोर का ओनित्सुका टाइगर। ओए नाम नहीं लेता, ले दो यार मेरे कौन से व्यूज आने वाले हैं। और उस पे वहां 15,000 रुपए की एक जर्सी थी और हमारा इसकी गांड फट गई।
और अब आज देखो भी नहीं ले पा रहे हम, दिक्कत ही है। एक मिलियन के बाद भी नहीं ले पा रहे, दिक्कत कुछ है। करो कुछ करो, इसके बढ़ा दो, नहीं तो एक काम करो मेरे बढ़ा दो, मेरे देख रहे हैं कैमरे के आगे क्या क्या बोलता है, पीछे बहुत गलत बातें बोलता है मुझे बहुत ज्यादा। भैया 18-15 की चाबी दे दो। अच्छा उधर है क्या, आयो आयो। सुबह के 4 बजे यही हमारा काम है। यस, व्यूज बढ़ाना और पैसे कमाना। डॉलर्स ओनली, फ्रेंड्स। 12 बजे के बाद शाबाश, कोई नहीं बात। चल अभी और बुरे हैं हाथ फूल गया पूरा का, इतने गंदे हैं कि हमसे कोई बात करना नहीं चाह रहा। मैं करूंगा तेरे से बात, बोल क्या बात करनी है, अपने दिल की बातें मेरे से शेयर कर। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के, तो यार अपना स्केड्यूल ठीक करना है। पहले तो मुझे ठीक से उठ ही नहीं पा रहा हूँ भैया, उठूंगा तभी तो कुछ काम करूंगा, मेरे को अपना स्केड्यूल ठीक करना पड़ेगा। 2-2 बजे उठता हूँ, 4-4, 5-5 बजे सोता हूँ, ऐसे नहीं चल पाएगी ज़िंदगी। तो कल से नहीं, आज से ही हम अपना स्केड्यूल भी ठीक करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिन में प्लान्ड आउट हैं और सारी चीज़ें करनी है मुझे, तो मुझे थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ेगा। एनीवेज आई होप आपके ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंड अब वैसे तो हमेशा कहता ही था बट अब मुझे होना पड़ेगा खुद से, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू क्विट दिस, सो आई विल बी रेगुलर हेयर, ठीक है। बाकी इसके अलावा अपना एक शॉर्ट्स चैनल भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जो मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा। और मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि इसी चैनल पर ना मेरे को मतलब मूवीज़ के बारे में बात बात करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक मेरे को बहुत पसंद है मूवीज़ और सिनेमा के बारे में बात करना, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो सोच रहा था मैं इसी चैनल पर डालूं। तो बताना यार उसके लिए अलग बनाऊं या इसी पर डालूं, थोड़ा सा सजेशन दे देना प्लीज़, जो भी 2-4 लोग देखें वो बता देना मुझे कमेंट्स में। बाकी तुम्हें पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। आजकल भाई गर्म हो रखा है, मैं इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया कॉन्टेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और अब जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ उसका मुझे इतने दिनों से इंतजार था, बहुत अच्छा लग रहा है बोलते हुए। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो।